तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मेरे पास कभी भी दोपहर को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं थोड़ा भी फ्री रहती हूँ, तो मैं अपने लिए क्या टाइम निकालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, मतलब सिर्फ बोला था, दिखाया नहीं था कि मैंने एक कुर्ती की कटिंग कर रखी थी, उसकी सिलाई की। तो ये है वो कुर्ती जिसकी मैंने कल सिलाई की थी और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। मतलब अभी देखूँगी पहन के कैसी है, क्या नहीं है, फिटिंग कैसी आ रही है। तो वो मैं इस वीडियो में पहन के नहीं दिखाऊंगी, जब इसका सलवार भी सिल दूंगी ना तो पहन के फिर ब्लॉग बनाऊंगी, तब आप लोग देखना। और इसमें देखिए, जैसे मैंने सिले ना, तो पीहू ने, मैंने इसको समेट के रख लिया था अलमारी में, और पीहू ने शायद इसमें एक अपना स्केच कलर डाल दिया था और उसकी कैप निकली हुई थी, तो इसकी पूरी इंक लग गई इस पर। तो देखती हूँ कल वॉश करूँगी, निकलती है इसमें इंक, दोनों साइड से लग रखी है, इसके बैक वाले पल्लू में भी और फ्रंट वाले में भी, पहनी भी नहीं अभी तक और उसने इंक लगा ली। तो आगे से मेरा ये गोल गला बना रखा है और बैक साइड से चौकोर वाला है, ये बैक साइड से चौकोर है। इसमें पट्टी लगाने के लिए दूसरा कपड़ा मैंने यूज किया, इसका नहीं मिला था मुझे, मतलब बचा नहीं था। तो ये बैक का है चौकोर और फ्रंट में ये राउंड में है। तो इसी तरह से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं उनकी सिलाई से फट जाते हैं, तो या कुछ सिलना है, बस यही छोटे मोटे काम कर लेती हूँ जब भी थोड़ा फ्री होती हूँ। वैसे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है ना, तो इसी तरह से काम मैं करती हूँ। अपने लिए तो कुछ नहीं करती हूँ, जैसे होता है, देखिए मैंने कहीं पता नहीं कितने महीनों से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, और ये काम मैं अपना, अपने मतलब ब्यूटी की तरह मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बस घर के ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे और मॉर्निंग का क्या, लगभग 11 बजने वाले थे, 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। मेरे घर के सारे काम हो गए थे, कपड़े धोना, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ करना, जो भी मॉर्निंग के टाइम में काम होते हैं सारे काम हो गए थे। यहाँ पे मैं अपने सूट पे कर रही थी, प्रेस सूट पे मैंने प्रेस कर ली थी, और जो उसका दुपट्टा है उस पर मैं प्रेस कर रही थी। प्रेस को मैंने गरम थी वैसे निकाल रखा था, इसको स्विच पे नहीं लगा रखा था, लेकिन गरम थी तो इस दुपट्टे में मैं कर रही थी प्रेस, और यहाँ पे प्रेस हो गई थी। उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगी और मैं कहीं जा रही थी। देखिए, मैं कपड़े पहन के आ गई हूँ, प्रेस को मैं रख देती हूँ बेड के नीचे, अभी गरम ही थी ये। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, देखूँगी अगर थोड़ा कहीं पे रास्ते में वीडियो बना पाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने आना था जल्दी भी, क्योंकि फिर बच्चों को लेने का टाइम होता है। तो फिर जब तक मैं तैयार हुई तब तक लगभग 11 बजने ही वाले थे। तो कपड़े मैंने पहन लिए थे, मैंने अपने बालों को कंघी लगा ली थी, और यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं पाउडर अपने गले में लगा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसीना होता है ना, इतना ज़्यादा होता है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलते ही बहुत पसीना हो जाता है, और मेरी जो ये चेहरे पे झाइयाँ हैं ना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। तो मैं गई थी फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस में, वहाँ कुछ काम था, तो वहाँ से मैं आ रही थी, तो बीचों बीच शॉर्टकट रास्ता लिया मैंने, मैं वहाँ से आ रही थी हर्रावाला रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट की, ये आते समय की है, मैं वहाँ से आ रही थी। और मौसम मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, उमस बहुत हो रही थी, लेकिन धूप नहीं है, धूप मतलब हल्की सी है, दिख नहीं रही कि धूप है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मुझे फ़ोन पे मतलब कैमरे पे दिख नहीं रहा था कि मतलब मेरी फ़ोटो आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे। तो मैं ऐसे ही अंदाजे से ही थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया था। और ये देखिए, मैं रेलवे स्टेशन से आ गई हूँ अंदर की तरफ, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ पे खेत है, खेत में आधे हिस्से में मक्की है और आधे में है भिंडी। तो
बहुत बड़ा खेत है और बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली हरियाली, खूब भिंडी भी लगी हुई थी यहाँ पे, जो ये किनारे से रास्ता है खेत के किनारे किनारे। और ये देखिए साइड साइड में जो ये पौधे हैं ना, ये भिंडी के हैं और उस साइड से हैं मक्की के। तो टाइम लगभग 12 बजे के टाइम पे मैं घर पहुंची थी, और 12:45 पे मैंने, 12:30 या 12:45 के टाइम पे मैंने जाना था पीयू को लेने। बस आके थोड़ा सा आराम किया, बैठी रही, फिर उसके बाद पानी वानी पिया, फिर चली गई थी मैं पीयू को लेने के लिए। ये देखिए ये भिंडी के पौधे हैं, इनमें फ्लावर भी लगे हुए हैं और भिंडी भी खूब लगी हुई थी। घास बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कैमरे में दिख नहीं रहा, खूब अच्छी सी भिंडी लगी हुई थी इसमें। तो फ्रेंड्स अभी 12:34 हो रहे हैं और अब मैं चलती हूँ पीयू को लेने के लिए स्कूल। उसकी छुट्टी होने वाली है। मेरे बाल देखो आजकल कितने पतले हो गए, बस गिने चुने बाल हैं, इतने ज़्यादा एयरफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे। तो अभी उसको लेने चलती हूँ मैं। और मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, कुछ काम था, और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, मतलब बैठी रही। और अभी तक खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, देखती हूँ बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो आज मन कर रहा है मैगी बनाने का कि मैगी बनाऊँ मैं, तो देखती हूँ बच्चे बोलेंगे तो मैं सबके लिए मैगी बनाऊँगी आज। तो चलती हूँ पहले पीयू को लेने। आ गई पीयू रहने को लेके। उफ़ कैसी गर्मी मिल गए, कहाँ खो रखे थे मैंने, संभाले थे वो। पसीना कितना हो रहा, कपड़े चेंज करो, हाथ मुंह धो लो पहले फटाफट करके। हेलो भाई, नहीं कर, क्यों क्यों भाई,